Hey guys, subscribe and press the bell icon to never miss a video. हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज का वीडियो आने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ेदार, क्योंकि आज मैं हूँ हिमाचल प्रदेश में, जैसे कि आप पीछे देख सकते हो पालमपुर में, और पीछे पहाड़ हैं बहुत सारे। और अभी बहुत मुश्किल से मौसम साफ़ हुआ है, पहले मौसम साफ बिल्कुल नहीं था, और इसी वजह से हम बहुत जगह जाने का प्लान कर रहे थे। जब प्लान कर रहे थे तो मौसम साफ था, जब प्लान हो गया तो मौसम ख़राब हो गया। तो फॉर्चुनेटली अभी थोड़ा टाइम स्लॉट मिला है, तो अभी हम जाने वाले हैं सामने वाले पहाड़ में जो मेरे पीछे दिख रहा है। तो वो जो सामने पहाड़ दिख रहा है वहाँ पे जाने वाले हैं हम लोग, उसके पीछे एक्चुअली ये वाला जो पहाड़ है इसके पीछे जाएंगे, और यहाँ पे जो ये पहाड़ है इसके पीछे। प्लान और भी बने थे बट किसी वजह से वो नहीं पूरे हो पा रहे हैं। सो अभी हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जगह कवर करने की, और भी धूप हुई है थोड़ी, तो इसलिए हमने प्लान बनाया ऊपर जाते हैं। सो बेसिकली मेरा कज़न आने वाला था बट वो बारिश वगैरह के चक्कर में नहीं आ पाया, तो पहले हम बाइक का प्लान बना रहे थे बट वो नहीं हो पाया, तो इसलिए अब हम कार में जा रहे हैं। वो सामने गाड़ी खड़ी है। जैसे कि आपको पता है अभी हम हिमाचल में आ रखे हैं, और यहाँ पे घूमने के लिए तो बहुत सारी जगह है, बट एज ये मेरी नेटिव प्लेस है तो यहाँ पे मेरे को सब चीज़ें ऐसी लगती है नॉर्मल, बट बहुत एबनॉर्मल है। इसलिए मैंने सोचा आज मैं कुछ आपको जगह दिखाता हूँ जो कि बहुत अच्छी है। सो अभी हम जो जहाँ पे जा रहे हैं वो है जखनी माता टेम्पल, वहाँ पे टॉप पे है वो, तो इसलिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सामने बिल्कुल धौलाधार रेंज सबसे पास दिखती है वहाँ से, और अगर आप उस रेंज को क्रॉस करोगे तो पीछे चंबा आएगा। सो ये वाला वीडियो इसको एंड तक देखो, बिल्कुल मज़ेदार होने वाला है। आपको गाँव वगैरह के रोड दिखेंगे, हिमाचल के बेस्ट रोड दिखेंगे। तो मिलते हैं अब। तो गाइस जैसे कि आप पीछे देख सकते हो यहाँ पे रास्ता वस्ता ख़राब है, तो मैं सोचा कैमरे को निकाल देता हूँ गोप्रो के माउंट से, और थोड़ा कुछ कमेंट्री भी होनी चाहिए। सो हम लोग वहाँ से आए हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है ना, हम वहाँ से आए हैं, तो वहाँ से अब ऊपर पहुँच चुके हैं यहाँ पे। अभी पूरा नीचे नहीं पहुँचे हैं बट अभी और ऊपर से भी बहुत अच्छा व्यू आएगा। यहाँ से बसेज आती हैं, इन सब रोड पर पूरी बसेज आती हैं। देखो ये ऊपर पहाड़ है, मौसम ख़राब है अभी भी, तो ये है गाँव के रोडों की हालत। ओह माय गॉड, खड्डे भी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। सो अच्छे व्यू के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं बहुत सारे। और देखो अब राइट साइड पे आपको दिखेगा, यहाँ से मैं रोकता हूँ गाड़ी अभी। तो गाइज़ वो सामने देखो, वहाँ से हम लोग आए थे, वहाँ से हम लोग आ रखे हैं, ठीक है। और वो सब पहाड़ वहाड़ क्रॉस करके, यहाँ से रास्ता वस्ता यहाँ क्रॉस करके, ये ख़राब वाला रोड क्रॉस करके, तो फाइनली अभी हमें सीधा जाना है यहाँ से। और ये देखो यहाँ पे जो भी है नीचे का प्लेन इलाका, वो वैली है पीछे, वो कांगड़ा वैली है, पता नहीं आपको दिख रही है कि नहीं। दूर दूर तक अभी विजिबिलिटी अच्छी है क्योंकि मौसम थोड़ा सा साफ है, ज़्यादा साफ नहीं है। पर यहाँ पे गाड़ी चलाना इज़ लाइक यू नो, उतराई में तो गाड़ी कहाँ ही पहुँचेगी। ओ गाड़ी इधर उधर हो रही है अब कंट्रोल से बाहर। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच गए यहाँ पे मंदिर में, और काफ़ी हाइट पे है मंदिर, और पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे मंदिर है। एंड अभी ये कैमरा मेरे पास है तो हम कुछ फ़ोटोज़ लेने आए थे, और पीछे आप देख सकते हो फ़ोटो वाला माहौल थोड़ा लग नहीं रहा क्योंकि बादल जो है वो आगे में है काफ़ी ज़्यादा। टाइम लैप्स हो सकता है तो वो बनाने की कोशिश करेंगे। एंड पीछे यहाँ पे पार्किंग है, वहीं पे हमने गाड़ी पार्क की है यहाँ पे पीछे जो भी है। और यहाँ पे पीछे यू कैन सी यहाँ पे मंदिर है, और ये मंदिर कितने साल पुराना मंदिर है ये? पता नहीं बहुत पुराना है, काफ़ी पुराना मंदिर है, और यहाँ के लोकल लोगों में इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। सो पुराने ज़माने में इस पहाड़ को क्रॉस करके बहुत सारे लोग जाते थे उस पार, क्योंकि तब बसेस वगैरह नहीं होती थी और रोड्स वगैरह यू नो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते थे। बट अब के ज़माने में उसे ट्रैकिंग कहते हैं, जो पहले वालों के लिए ज़रूरत होती थी, अपनी जो भी भेड़ बकरियां लेके वो लोग यही वाला जो बीच में से क्या कहते हैं वैलीज़ को क्रॉस कर करके पहाड़ वहाड़ ये बर्फ़ वाला क्रॉस करके देन चंबा जाते थे दूसरी तरफ, जिनको हम गद्दी कम्युनिटी भी कहते हैं। बट अब ऐसा नहीं रहा, लोग अब बसेज हैं कार्स हैं तो सारे उससे जाते हैं, जबकि आप अगर नीचे प्लेन इलाके से जाओगे तो पूरा दिन लगेगा, और यहाँ से जाओगे तो शायद दो तीन दिन का ट्रैक है, आई थिंक दो दिन का होगा।
डिपेंड करता है बंदे पे, पुराने लोग तो एक ही दिन में क्रॉस कर देते थे ऐसे बोलते हैं, मुझे नहीं पता कितनी सच्चाई है, बट हो सकता है क्योंकि पुराने लोग वैसे भी सैवेज होते थे। तो गाइस ये है हमारा लेट लतीफ आदमी। इतना तो नहीं था खराब रास्ता, थोड़ा सा था, थोड़ा सा था। उधर गाड़ी की हालत देख, पीछे टायर की मेकअप हो गया है, ये पता नहीं कौन से रास्ते से आया है। तो गाइस जिस बंदे का इंतजार था वो फाइनली आ गया है, लेट लतीफ महाशय अक्षित जी, अक्षित और अक्की, अक्की जो भी, अक्की अक्की जो भी बोलना है बोलो भाई, अब तो इज्जत रही नहीं, लेट हो गया बंदा, पहले हम इज्जत करते इसकी। अब ये देखो खाना खुना खा के नहीं आया, यहाँ पे मोमोज खा रहा पहाड़ों में, बट आपको पता है मोमोज की फील अलग ही होती है पहाड़ों में। ये देखो ये सामने हमने उस वाली वैन से लिए हैं मोमोज, और अभी देखो सनसेट हो रहा है यहाँ पे, एंड ये बाइक है इस बंदे की यहाँ पे, अभी हमने बहुत सारा फोटोशूट किया है इस बाइक के साथ, एंड देन वी हैव दिस ब्यूटीफुल पहाड़ अलॉन्ग विद नॉट सो ब्यूटीफुल अक्षुर एंड विद मोमोज। काले काले भाई शर्मा क्यों रहा है, खा ना भाई, खा रहा हूं मैं। सो गाइस इस बंदे को फॉलो करना है, बहुत मस्त रील बनाता है, इसका लिंक आपको इंस्टाग्राम पे शो हो रहा होगा, इट्स ओनली अक्की। और बिहाइंड द सीन देखो ये बंदा, आप जब इसकी वीडियोस देखोगे ना, रील्स देखोगे, तो आपको लगेगा ही नहीं ये बंदा है, बोलेगा कितना हाई फाई बंदा है, एकदम ऐसे मस्त स्लोमो वाली रील्स बनाता है। रियलिटी देखो यहाँ पे मोमोज खा रहा भटकता रहता है। कल जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए? कल देखते हैं, भीड़ जाएंगे, भीड़ में भीड़ 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 मेरे को भीड़ में जाएंगे, भीड़ भी लेंगे। वहाँ पे पैराग्लाइडिंग साइट है वर्ल्ड की मोस्ट हाईएस्ट है, सेकंड बेस्ट हाईएस्ट, सेकंड है आई थिंक, सेकंड बेस्ट है जो भी है मतलब। बट कल का हम प्लान कर रहे हैं, या तो हम इसमें जाएंगे कार में, या तो हम उसमें जाएंगे KTM में, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली जो KTM है उसका मैं आपको सीन बताता हूँ, ये इसकी इंस्टाग्राम आईडी आपको दिख रही होगी, इट्स ओनली अक्की, एंड ये जो भी है इसने लिखा विखा है यहाँ पे, ये देखिए इस महाशय जी की ब्रेक, ये ब्रेक लगेगी कैसे मुझे भी नहीं पता, बट ये इसी ब्रेक के साथ 40 किलोमीटर पहाड़ी रास्ते में चला के आया है, वो मुझे पता नहीं। अब ये रेडी टू रेस तो है, बट ये रेस इस ब्रेक के साथ यही बंदा कर सकता है मुझे लग रहा है। और ये इसका फेसबुक आईडी आई थिंक, फेसबुक आईडी है, आधार नंबर भी दिखा दे भाई, कहाँ लिखा तूने आधार नंबर का। और यहाँ पे बंदे ने यार एकदम मस्त मस्त चीज लिखी, देखो कूलेस्ट म्यूजिक ऑन अर्थ ब्रैप, ये कौन सा म्यूजिक है भाई मुझे बता दे, जब इसकी साउंड जो है ना वो, अच्छा अच्छा लाइक गियर पे हाँ, उड़ा मत देना भाई तू, नहीं कैसा साउंड, तो इसके पीछे लिखा है इसने ब्रैप, अच्छा जस्ट ड्यू किट एंड देन वी हैव ऑफ रोड इज ऑलवेज ऑन, इसको लेके कहीं ऑफ रोडिंग पे गया है तू? हाँ अभी गया था इसको, हम जाते हैं लोकल, जैसे लोकल ऑफ रोडिंग क्या होती है, लोकल जैसे अभी हम गए थे लास्ट टाइम एक है गलू वाटरफॉल, वहाँ पे गए हैं ऑफ रोड, धर्मशाला में बहुत किए हैं। अगर आपका जिस भी बाइक पे हाथ बना तो आप स्प्लेंडर पे भी कर सकते हो, करने वाले तो ऑफ रोडिंग पे भी कर जाएंगे, चलाने वाले का टैलेंट होता है, मैन बिहाइंड दी व्हील्स। एंड अभी पीछे का बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, और ये आपको जैसे दिख रहा है सनसेट तो है ही है पीछे, अभी इसके पीछे आपको बताया था चंबा पहाड़ है, और ये बिल्कुल अभी बर्फ़ 2-3 दिन एक्चुअली यहाँ तक बर्फ़ आ गई थी, बट अभी तो पिघल गई है तो इसलिए नहीं दिख पाएगी आप लोगों को, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा यहाँ तक पहुँच गई बर्फ़। सो गाइज वी आर हैविंग चाय राइट नाउ, ऑब्वियसली हमने वहीं से खरीदी है पीछे वाली शॉप से, और अभी हमारा पहले मोमोज ब्रेक था, थोड़ा चाय ब्रेक है, तो अभी मज़ा आ रहा है यू नो चाय पीने का। ये देखो पीछे बैकग्राउंड मस्त में मस्त सनसेट हो रहा है, और सनसेट के साथ वी हैव पीछे बहुत सारी बर्फ़, तो यू नो एक बिल्कुल मस्त चाय पीने वाला माहौल था, तो इसलिए हमने चाय पी ली है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं ध्यान से रह रहा हूँ। और ये देखो ये माचे जब से आए खा ही रहे हैं, और तो कुछ करना ही नहीं, चाय पी रहे हैं, जिंदगी एक ही मकसद है घूमना खाना और सोना सोना। कैसी चाय? बहुत बढ़िया सच में, खा कसम ठीक है हमारा हथियार खा कसम। ये देख सकते हो आप एकदम मस्त फोटो आ सकती है अगर हम ऐसे करें ना, ऐसे चाय, ये देखो चाय चाय चाय, ये देखो चाय चाय, और यहाँ पे सनसेट आए, ये महाशय दूर भाग जाएं, और देन वी हैव यहाँ पे अगेन चाय। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और शेयर कर दो दोस्तों के साथ, आगे बहुत सारी हिमाचल की वीडियोस आने वाले हैं,
और इंटरनेशनल ट्रिप्स बहुत सारे हैं, 2-3 हैं वो रुके हुए हैं बिकॉज ऑफ द कोविड। मेरी बहुत सारे टूरिज्म डिपार्टमेंट से बातचीत चल रही है और देखते हैं, जैसे ही वो लोग भी अपना लाइक कोशिश कर ही रहे हैं, बट अभी फ़्लाइट्स बंद हैं, उन्होंने ऑर्डर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, जो सरकारों के ऑर्डर हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के ऑर्डर हैं, तो उनको देखते हुए वो चीज़ डिले हो रही है। तो इसलिए अभी हम वोकल फॉर लोकल, अपने लोकल वीडियोज़, लोकल ब्लॉग्स आएंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।